आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही के बीच 25 लोगों की हुई मौत, 17 लोग लापता हैं। नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून वापस लेने की किसने दी सलाह? और मजदूर की बेटी की जिंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है सरकारी कंपनी? राज्यों की तमाम अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। आंध्र प्रदेश में जारी भारी बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हुए हादसे में अब तक आंध्र प्रदेश में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में 9 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे हालात की जानकारी ली है। राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतपुर जिले में भारी बारिश से 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चों और 1 वृद्ध महिला की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर शराबबंदी का कानून वापस लेने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। शराबबंदी कानून पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सभी पार्टियों ने सदन में शराबबंदी कानून की सफलता को लेकर शपथ ली थी। अगर नीतीश सरकार मानती है कि शराबबंदी कानून सफल नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी शराबबंदी कानून को वापस ले सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भारतीय खाद्य निगम अब लैब में खाद्य और चावल के पोषक तत्वों की जांच करेगा, ताकि खाद्य की गुणवत्ता FSSA के मानकों के अनुरूप रहे। आम आदमी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने से पहले भारतीय खाद्य निगम का ये प्रयोगशाला पोषक तत्वों, कीटनाशक और अन्य हानिकारक तत्वों की टेस्टिंग करेगा। बीजेपी ने शिवसेना पर मुंबई शहर में BMC के बिजली और नेट का केबल डालने को लेकर करीब 188 करोड़ रुपए घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि BMC में ट्रेंच बेचने के लिए 550 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था, जिससे BMC को 188 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने BMC कमिश्नर इकबाल चहल और मेयर किशोरी पेडनेकर से कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर पूरे मामले की जाँच की मांग की है। दिल्ली में चल रही तेज हवा से लोगों को जहरीले वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को कुछ हद तक राहत मिली है। रविवार को सुबह नौरोजी नगर में लगे पॉल्यूशन मीटर पर PM 2.5 का लेवल 186 रहा, वहीं PM 10 का लेवल भी घटकर 312 तक पहुंच गया। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही PM 2.5 का लेवल 300 से 400 के बीच बना हुआ था, जबकि PM 10 का स्तर 400 को पार कर जाने से लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने से प्रदूषण का स्तर कम होगा। यूपी के बुलंदशहर में सड़क पर फर्राटा भर रही कार पेड़ से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी का ड्राइवर जिंदा ही जल गया। राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को कार से सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई। पुलिस ने जांच के बाद कहा कि खुर्जा कोतवाली के पहाड़गढ़ी गाँव के पास शिकारपुर रोड पर कार का टायर पंचर होने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। CCTV में कैद खौफनाक वारदात की ये तस्वीरें मुंबई के मानखुर्द स्टेशन की है। देखिए कैसे लोकल ट्रेन के लगेज डब्बे से उतरे एक शख्स ने दूसरे शख्स पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में घायल दीपक नाम के शख्स की मौत हो गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 घंटों के अंदर मामला दर्ज कर आरोपी शख्स को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल स्टाफ की टीम के साथ मिलकर एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों के व्हाट्सएप को हैक कर ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने गिरोह में शामिल एक नाइजीरियन मूल के एक शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। नाइजीरिया में बैठकर गैंग के सदस्य अपने हैंडलर्स के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। व्हाट्सएप अपडेट करने का मैसेज भेजकर स्क्रीन लॉक और व्हाट्सएप हैक कर ठगी का शिकार बना लेते थे। एक मजदूर की 2 साल की बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की एक सरकारी कंपनी बच्ची का इलाज पर 16 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने ये रकम बच्ची को हुई एक दुर्लभ बीमारी के इलाज के काम आने वाले इंजेक्शन को खरीदने पर खर्च करेगी। कंपनी ने इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इंजेक्शन को खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।